खरगोन जिले में शासकीय सूत मिल को दिए गए लोन का दुरुपयोग होने के बाद महकमे सहित सरकारी संस्था द्वारा सूत मिल को बेचने का मामला इन दिनों तूल पकड़ते दिख रहा है। बात का पता तब चला जब स्थानीय विधायक मामले को लेकर सड़क पर उतरे और जिला प्रशासन को इस बात से अवगत कराया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिले के सनावत की, जहां शासकीय अवंतिका सूत मिल को गलत तरीके से बेचने का मामला संज्ञान में आया है। इसी बात पर मजदूरों के हित की शासकीय संपत्ति की सुरक्षा के नाम पर विधायक सचिन बिल्ला ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान विधायक ने बताया कि अवंती सूत मिल प्रबंधन में जिला सहकारी बैंक के साठ गांठ करके पैसों का दोहन किया है, जिसकी FIR थाने पर दर्ज है। ऐसे में सूत मिल को बेचने की यह प्रक्रिया नियम के विरुद्ध है, जिस पर पाबंदी लगाकर उचित कार्यवाही की जाए। बहरहाल, शासकीय संपत्ति सुरक्षा के लिए विधायक की सराहनीय पहल क्या रंग लाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। खरगोन से तिवारी की रिपोर्ट। बड़वा विधानसभा की एकमात्र औद्योगिक इकाई है। 2001 में परिसमापन हुआ, मिल बंद हुई। उसके बाद 2003 में श्रमिकों के हित में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वो मिल 5,82,00,000 रुपए में अनुबंध करते हुए मिल वर्कर सोसाइटी को दी, और उसमें एक अनुबंध पत्र किया गया कि मिल को आप किसी भी सूरत में बेचोगे नहीं, मिल आपको चलाने के लिए दी जा रही है। अगर आपको नवीनीकरण आधुनिकरण किसी के लिए पैसा चाहिए तो आप उस पर लोन ले सकते हैं, लेकिन बंधक रखने के लिए दी है कि बंधक रख सकते हैं। लोन की अदायगी प्रबंधक को करना पड़ेगा, जो वर्कर सोसाइटी उसको करना पड़ेगा। बैंक की संपत्ति आप, मिल की संपत्ति आप नहीं बेच सकते। इस तरह का बिल्कुल उल्लेख, स्पष्ट उल्लेख उस सेल डीड में किया हुआ था, लेकिन बैंक ने अनियमितता करते हुए, उनके अधिकारियों ने अनियमितता करते हुए उस पर 62,00,000 रुपए का लोन दे दिया। और आज वो लोन देने के बाद में अचल संपत्तियां जो शासन की है, जो मिल की है, उनको विक्रय करने का क्रमबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे, पहले दुकानें बनाई गोडाउन के नाम पर, पहले गोडाउन बनाया, फिर गोडाउन को के नाम पर डायवर्सन करवाया, और उसके बाद वहाँ पर दुकानें बना दी और दुकानों का बेचने का वो लोग काम कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के कहने का है कि पहले स्टेप चालू हो गई है, अब पूरी तरह से मिल, इसके बाद वो साइकिल स्टैंड बेचेंगे, फिर मजदूरों के क्वार्टर्स बेचेंगे, और एक बड़ी खुली भूमि 30 एकड़ भूमि है, 32 एकड़ जो करोड़ों रुपये की है, 3-4 हज़ार फुट का माल है, करोड़ों रुपये, 150-200 करोड़ रुपये का माल है, उस पर उनकी पूरी निगाह है। उसको बेच कर वो पैसे अदायगी के साथ साथ बड़े लोगों को लाभ मिलने वाला है। हम लोगों ने यही मांग करी है कि बड़ा एक, हम पूरी व्यवस्था, पूरे कागज़ लेकर आए हैं, जिसमें पूर्णतः दर्शाया गया है कि पूर्व में भी इन्होंने 2011 में पंजीयक कार्यालय सनावत में भूखंड, पहले एक भूखंड गिरफ्तारी कराने की साजिश रची, जिसको उप पंजीयक कार्यालय ने खारिज किया। खरगोन से अपील करी उन्होंने, वहाँ भी खारिज हो गई। फिर इस भूरी भूमि को SDM और तहसीलदार के यहाँ नामांतरण करने के लिए भेजी, तो उन्होंने ये कह कर के उस भूमि को नामांतरण नहीं किया कि ये आपको 30 साल की लीज पर दी गई है और ये शासन की भूमि है। और उसके बाद अभी तत्काल में 2019 में भी इन्होंने वापस से प्रक्रिया चालू करी थी, जिसको मैं उस समय, अभी तत्कालीन टाइम में यहाँ पर गोपाल चंद जी डाट साहब कलेक्टर थे, उन्होंने उस समय, मैं यहाँ पर आया, अपील की, मैंने उनसे निवेदन किया कि ये गलत है, शासन की ज़मीन को बेचने का निर्णय आप कैसे ले सकते हो। तो उन्होंने तत्काल तहसीलदार से बात करते हुए कागज़ वगैरह सब देखे और उन्होंने तत्काल उसको रुकवाया, और आज आप समझ सकते हैं कल नीलामी हो गई है, और हम यहाँ पर आए हैं, पूरे दस्तावेज लेकर आए हैं, और हम यही चाहते हैं कि ये शहर की संपत्ति है, शासन की संपत्ति है, और एक बड़ी शान की हमारी वो सूत मिल है, जहाँ 5,000 मजदूर रोजी रोटी से लगे हुए थे, और आज भी 1,000 मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं, बच जाए, जैसे तैसे परिसंपत्तियाँ बचें, इस भाव को लेकर हम लोग आए थे आज कलेक्टर मैडम से बात करने के लिए। वो अपने अधिकारी कर्मचारियों को कल बचा रहे हैं, जो पैसा वर्कर सोसाइटी के जो प्रबंधक हैं, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे वसूलना चाहिए, तो वो पैसा शासन की संपत्ति बेचकर वसूल रहे हैं, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, नियम विरुद्ध है। पहले भी कार्रवाई करके हमने उसको रुकवाया था, आज वही रुकवाने के लिए फिर हमें पर आए, नहीं रोका गया तो क्या करेंगे, अगला कदम क्या रहेगा? बिल्कुल विधानसभा में भी प्रश्न लगाएंगे और लगातार इसको आगे बढ़ाते हुए उसको रोकने की प्रक्रिया में हम लोग अनशन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।